वॉइस ऑफ अरुणाचल प्रदेश की एक ग्रुप पे किसी एक ने, पता नहीं लड़की है या लड़का है, कौन है, वायती ऐसा लिखा है उसका स्टेटस पे, उन्होंने लिखा है कि इस अरुणाचल विल डाई लाइक दिस बट विल नेवर राइज दिस वॉइस ऑन स्टेट इशू, एक चेरिया के पुराने घोसला लेकर उन्होंने ये लिखा है। आगे स्पेशली नोक्ते, वांचो, तंगसा, मिसमी, खमती एक्सेट्रा, अब लोग से अच्छा तो ये चकमा हाजोंग लोग होता होगा। डरपोक जाति लोग, खुद को अरुणाचली मत बोलो दे, भगवान उल्टा कर दिया ये चकमा हाजोंग लोग का, बदले तुम लोग को रिफ्यूजी बनाने से अच्छा था। सेरन में है वांचोनु मैमे तेचा। नमस्कार, वांचो मेरा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम किसी एक को एक जवाब देने के लिए मैं आया हूँ कि इस बात को लेकर अभी कई व्हाट्सएप ग्रुप पे फैल रहे हैं, कई फेसबुक पेज पे ग्रुप पे फैल रहा है कि वांचो नोक्ते मिसमी खमती तंगसा से बेहतर तो चकमा हाजोंग है। होता होगा, कोई नहीं, मैं मानता हूँ किसी एक जाति को हम बदनाम नहीं करते क्योंकि हम तो बहुत पीछे हैं, हम लोग से बेहतर हो सकता है। लेकिन अब जिस तरह से ये लिख रहे हो, मैंने व्हाट्सएप पे मैं कमेंट कर दिया था और फेसबुक ग्रुप पे भी यहाँ मैंने कमेंट किया था कि आपको इस जो लेखक को जो है आप डिलीट, जल्द से जल्द डिलीट कर दिया जाए क्योंकि ये वर्ड्स जो है जो आपने लिखा है बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। आप इस तरह से एक दूसरे जाति की इंसल्ट नहीं कर सकते। आपने जिस तरह से लिखा है उसका अनुसार मैं जवाब देने जाऊंगा तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं ऐसे नहीं है कि मैं आपको प्यार से जवाब दे रहा हूं। आप इसको अभी भी वक्त है, आप तुरंत इसे डिलीट कर दिया जाइए, डिलीट कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही गलत लिखा है। आप इस तरह से आप एक दूसरे जाति को लेकर, किसी एक जातियों को लेकर, कोई भी हमारे अरुणाचल में या पूरे भारत में हम एक दूसरे जाति को इंसल्ट नहीं कर सकते। इसका कहना है जो भी अभी स्टेट पे जो इशू चल रहा है, वांचो के लोग और कई लोगों ने साथ नहीं दिया है, क्या ये लिखना है कि वांचो से बेहतर तो चकमा हाजोंग है, भगवान हमें उल्टा क्यों ना बना दिया जाए कि हमारे जगह वजह कोई चकमा हाजोंग हो सकता है। चकमा हाजोंग को ख़राब नहीं बोलूँगा, वो हमसे बेहतर हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन हम लोगों का भी मजबूरी है। देखिए, चाहे आप जो भी हो, लेकिन मैं आपसे प्यार से जवाब दे रहा हूँ। हम लोग ऐसे नहीं है कि स्टेट में कोई भी इशू होता है हम लोग सपोर्ट नहीं करता है, हम लोग करता है। बस यही बात है कि हम लोग आप लोगों के साथ साथ कर्म नहीं मिला सकता है क्योंकि हम लोग का जगह सिचुएशन हर एक जाति का, हम लोग अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में खाना पीना रहना काम का सब कुछ अलग है, तो मुश्किल होता है कि हम लोग हर वक्त हर समय आप लोगों के साथ साथ हम कदम से कदम मिला पाएँ। क्योंकि वैसे भी हम लोग लास्ट डिस्ट्रिक्ट, न्यूली डिस्ट्रिक्ट हम लोग फॉर्म किया हुआ है, जो सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट यही है लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में। सो हम लोगों का यहाँ में क्या मुसीबतें हैं, क्या सिचुएशन है, क्या कामकाज है, क्या आपको पता है किस दौर पर हम लोग जी रहा है, क्या आपको पता है? ऐसा नहीं है कि हम लोग सपोर्ट नहीं करते, हम लोग दिल से सपोर्ट करते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए जितना सकता है मैं भी अपने वांचो मीडिया यूट्यूब चैनल के ज़रिए सपोर्ट कर रहा हूँ। अभी ही नहीं बल्कि पहले शुरुआत के समय पे ही मैंने आप लोगों का ये स्टेट इशू को लेकर, चाहे किसी भी इशू को लेकर जो पब्लिक के हित में जो आवाज़ उठाते हैं उसका साथ देते हैं आए हैं। आप विश्वास नहीं करोगे तो पहले आप देखिए वॉइस ऑफ अरुणाचल प्रदेश के और दूसरे ग्रुप पर मैंने सबसे पहला आवाज़ उठाने वाला मैं हूँ। जब सोल दोदम से पास जब पैदल मार्च करके ईटानगर आए थे उस समय पे मैं सबसे पहला आवाज़ उठाने वाला मैं ही हूँ। अरुणाचल प्रदेश में मैं ही एक हूँ जो सबसे पहला साथ देते हुए सोशल मीडिया के जरिए आवाज़ उठाने वाला। जब ए ए सी टीम तोको शीतल और ए ए सी टीम के पूरे टीम पैदल मार्च करते हुए ईटानगर जब चले, ईटानगर से जब दिल्ली मार्च किए थे, उस वक्त जो है किसी एक ने यूपी पे उन लोगों पर अटैक करने की कोशिश की जो है जिसका नाम आप सभी को पता होगा, पूरे इंडिया में मालूम है, जिसका नाम अभी मैं नहीं लूँगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में भी सबसे पहला आवाज़ उठाने वाला मैं हूँ।
जो मैं लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट से वांचो कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। आप ऐसे नहीं लिख सकते एक दूसरे के जाति के ऊपर में। बस इतना ही कि हम आप लोगों के साथ साथ कर्म से कर्म नहीं मिला पाते, क्योंकि हमारे यहाँ मजबूरी है, अपना प्रॉब्लम है। लॉन्गडिंग आए हुए मुझे अभी 3 दिन हो चुके हैं। जब भी मैं हमेशा आता हूँ इसी सर्कल हाउस के एरिया लोकेशन पे आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक एयरटेल टावर है, यहीं से नेटवर्क मैं इस्तेमाल करता हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए। और कई तरह इस तरह से कई इसके आगे और भी टावर पोस्ट है। लॉन्गडिंग के जितना भी आप लोकेशन देखिए, मैं दिखाता हूँ सर्कल हाउस के नीचे आगे और हेलीफील्ड का वहाँ पर है, और ये जालनो कॉलोनी पर है, और इधर पुलिस कॉलोनी पे है, उधर हाई सेकेंडरी के कोने पे है, डीसी बंगला का उधर है, आसाम राइफल के उधर अब दो दो देखा दे रहे हैं। और इस बीच इस साइड पे भी आप देखिए, यहाँ बैंक कॉलोनी के साइड पे है, और ये सीआरपीएफ के कॉलोनी के साइड पे हैं। इस तरह से लॉन्गडिंग घेरा करते हुए एक आपको लॉन्गडिंग के पूरे घेरते हुए आपको टावर ही टावर नज़र आएगा। लेकिन हाँ, मानता हूँ ये अलग अलग टावर है, लेकिन इसका बावजूद जो है नेटवर्क नहीं मिलता है लॉन्गडिंग में। केवल यही एक जगह है सर्कल हाउस जो है यहाँ इस लोकेशन के 100 ये टावर पोस्ट से 100-200 मीटर तक ही ये नेटवर्क सही रहता है। इसीलिए हम लोग को और बाज़ार के सामने आप जाओगे बाज़ार तेनाली जब, तो वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है, कभी कभार तो आपको फ़ोन भी नहीं लगता है वहाँ से। और आगे मेडिकल कॉलोनी जाओगे वहाँ पर नेट ही नहीं है। आपको आगे जाओगे हॉस्पिटल के वहाँ पे भी नेटवर्क नहीं है। जितना भी ऊपर जो ऊंचाई आप देख रहे हैं पहाड़ी इलाकाओं में जब जाके ही हम लोग नेटवर्क इस्तेमाल करता है। तो ऐसे प्रॉब्लम जगह से हम लोग बिलोंग करता है। अब यहाँ पे देखिए अभी किस तरह से यहाँ का पानी का समस्या को लेकर अभी सालों साल हो रहे हैं, 15-20 साल से अभी यहाँ का पानी को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है। ये पूरे अरुणाचल में अभी मालूम है कि लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में पानी के लिए हम लोग किस तरह से किस मुसीबत के दौर पे जी रहे हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा यहाँ टैंकर जो पीएचडी टैंकर ले आया करता है, वो भी हफ्ता में एक दिन दो दिन इस तरह से एक कॉलोनी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो किसी तरह से हम लोग पीने के लिए यहाँ से पानी ले आया करता है। और जब से मैं आया हूँ यहाँ पे आप 3-4 दिन होने जा रहा है, यहाँ पे लाइट नहीं है। जो जनरेटर या इन्वर्टर लेकर आदमी लोग लाइट जलाते हैं। और मैं अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए मैं डीसी ऑफिस जाता हूँ, वहीं से मैं जनरेटर ऑफिस टाइम पे जो जनरेटर चलती है तो मैं वहीं से चार्ज करके मैं चला रहा हूँ। तो ऐसे जगह से बिलोंग करता है हम वांचो, जबकि कोई सुविधाएं नहीं है टेक्निकली बोलो। सो इस तरह से हम कई मुसीबतों का सामना करते हुए जी रहे हैं। ना यहाँ के रोड कम्युनिकेशन सही है, ना यहाँ के टेली कम्युनिकेशन सही है, ना यहाँ के पानी की सुविधाएँ हैं। हम लोग जब मैं यहाँ आता हूँ लॉन्गडिंग हेडक्वार्टर में अपने गांव से अपने घर से जब, तो मैं 3-4 दिन प्रोग्राम करके मैं आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से मेरे गांव के जो डिस्टेंस है काफ़ी दूर है। साथ में हम लोगों का जो है रोड है, रोड कम्युनिकेशन काफ़ी ख़राब है। तो इसी तरह हर कोई हम लोग यहाँ के जो हम लोग जो है बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए जी रहे हैं। इसीलिए हम आप लोगों के साथ साथ कर्म से कर्म नहीं मिला पा रहे हैं, दुनिया का साथ कर्म से कर्म मिलाकर नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे मुसीबतों का सामना हम लोग करना पड़ रहा है। इसीलिए आप जो भी है आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ आप जो भी लिखा है इस ग्रुप से आप तुरंत डिलीट कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। क्योंकि आपने क्या सोच के आपने लिखा होगा, क्या टेंशन से आपने लिखा होगा ये पता नहीं, लेकिन ये जो लिखा है आपका बहुत ही गलत है। क्योंकि इस तरह से एक दूसरे के जाति के ऊपर हम लोग नहीं लिख सकते। हाँ मानता हूँ स्टेट में बहुत बड़े इशू है, सबको पता है, लेकिन उपाय नहीं है ना, हम लोग साथ नहीं दे पा रहे हैं। दिल से सपोर्ट करता हूँ, जितना सकता हूँ मैं सोशल मीडिया के जरिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, हर कोई सपोर्ट कर रहे हैं। जब जब हम सकेंगे हम साथ देंगे, आएंगे वहाँ पर ईटानगर पर या कहीं पर भी जहाँ पर आप आवाज़ उठाएंगे। जब जब अरुणाचल में करप्शन को लेकर या फिर किसी मुद्दे को लेकर या जनता के आम जनता के हित में अगर कोई भी आवाज़ करते हैं तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं। हमेशा जितना हो सकेगा हमसे हम लोग साथ देते रहेंगे, अभी भी दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करना बहुत बड़ी बात होती है। हम सब सारे आप सभी के लिए हम सभी के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो हम लोग जनता के लिए आम जनता के लिए जो अभी इशू उठा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर सक्सेस हो जाए, हम सभी प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग वहाँ प्रेजेंट नहीं हो पा रहे, इसलिए हम लोग अपना मन ही मन यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए
आपसे मैं खराब नहीं बोलूँगा, आपसे हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसके डिलीट कर दीजिए जो भी आपने लिखा है, तो आगे से हम लोग एक साथ मिलजुल कर ही जीना है, बस यही सोच रखिए आपके मन में। यही आपको छोटा सा जवाब देने के लिए मैं आ गया था। इसके साथ ही आज के वीडियो यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ। तब तक के लिए इंतज़ार बने रहिए। जय अरुणाचल, जय भारत।